गल ल सतसंग जी, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे 519 अंक ते है। इस दा सिरलेख है राग गुजरी वार महला पंजवां, भाव गुजरी राग विच ये वार है गुरु अर्जन पातशाह जी दी। जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब चों बड़े ध्यान दे नाल वारां पढ़दे हां तां पता लगदा है वारां दा अपना एक मजमून है, एक प्रकरण है, एक टॉपिक है। वो लगातार टॉपिक समझना साडे वास्ते जरूरी है। इन्हां वारां दे नाल सानू कुछ श्लोक लिखे मिलते हैं, जिमें कि इस वार दे उपर श्लोक महला पंजवां लिखिया होया, अते फिर उस तो बाद दो पंक्तियां बाद महला पंजवां होर एक श्लोक लिखिया मिलता है। जदों असी गुरु नानक पातशाह या होर गुरुआं दी बाणी दी वार देखते हाँ, वार महला तीजा, वार महला चौथा की, तो सानू पता लगता है कि उन्हां वारां नू पहला जदों उचारण किया गया सी ते उह पौड़ियां सन, लेकिन उन्हां दे नाल रलवें श्लोक उस वार नू समझण वास्ते नवें जिज्ञासु नवें बिगनर मनुख वास्ते सम इनिशियल स्टेजिस ते उसनू ठीक तरीके नाल समझण लई उहदे नाल गुरु अर्जन पातशाह ने श्लोक लगाए। गुरु नानक पातशाह जी दी व्योंत मुताबक जिवें आसा की वार विच आंदा है, आसा की वार गुरु नानक पातशाह जी दी पौड़ियां हन, पर उहदे नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे उसदे सिरलेख ते लिखिया मिलता है। गुरु नानक पातशाह जी दी व्योंत के वारां दे नाल रलवें श्लोक किवें होंदे हन, उस टैक्नीक नू जी दी नू गुरु अर्जन पातशाह ने
पौड़ियां दे नाल श्लोकां नूं दर्ज कीता। जिहड़े श्लोक वारां दे नाल नहीं लगाए गए उन्हां दे प्रकरण दे नाल, वो सारे श्लोकों एकत्र करके गुरु ग्रंथ साहब के आखिर विच एक प्रकरण वखरा बना दिता, जिसका नाम रख दिता श्लोक वारां ते वधीक। गुरु नानक पातशाह तो गुरु रामदास पातशाह तक दियां जितनियां वारां हन उन्हां दे नाल ते श्लोक गुरु अर्जन पातशाह ने ग्रंथ तैयार करन वेले लगाए, जो कि बाद विच लगाए गए टॉपिक मुताबक। पर इस वार दे नाल देखते हाँ कि मैला पंजवां दी वार है ते श्लोक भी मैले पंजवें के लिखे हुए हैं, तो पता लगता है कि इस वार विच जितनिया भी पौड़ियां हैं उन्हां दे नाल श्लोक भी गुरु अर्जन पातशाह ने नाल दर्ज किया। इस वार दी पौड़ी नूं समझण तो पहला बाणी दी बणतर दा एक कीमती अहम नुकता समझिए होए कि वारां अपने आप विच प्रकरण हुंदा है पौड़ियां करके, ते पौड़ियां दे संग्रह दे विच हर पौड़ी दी आखरी पंक्ति विच उस पौड़ी दी जिस्ट हुंदी है जो उस टॉपिक राही गुरु पातशाह समझाना चाहते हैं। आखरी पंक्ति नूं जदों असी लैंदे हां ते असी इंज समझ सकते हां कि जिस तरह वारां दे विच राव नहीं है, उस तरह वार वाले श्लोकां दे नाल जिहड़े रहाव नहीं होंदे, तां वार दी पौड़ी दी आखरी पंक्ति नूं जेकर मन लो के रहाव समझ लिए, अपनी पूरी थॉट प्रोसेस नूं उस दे इर्द गिर्द समझण दा जतन करिए कि अज दा टॉपिक की है। अज दा टॉपिक है सो लगा सतगुर सेव जां को करम तुर। इस दे अर्थ आम तौर ते यह समझे जाते हैं जिन्हां दे पिछले जन्मां दे कर्मां करके जिसनूं रब जी सतगुर दे लड़ लाणगे ओ सतगुर दी सेव लग पिया, ये आम तौर ते समझिया जांदा है। पर जदा असी इस सारे टॉपिक नूं समझण वास्ते कि कर्म तुर की हुंदा है, कर्म की हुंदा है, तुर मस्तक ते भाग लिखणे की हुंदे ने, जदों असी उस गल बारे समझांगे तो पता लगेगा मनुख आप उद्यम करता है अपनी डेस्टिनी लिखण वास्ते, अपने मत्थे दे भाग लिखण वास्ते। दिन रात कमाइडो सो आयो मत है, जो तू दिन रात कमाउंदा है वो तेरे मत्थे दे भाग उजागर होंदे हैं। इहदा मतलब मैनू जो कुछ करना पैंदा है उहदे मुताबक मैनू फल प्राप्त होंदा है। हाँ गुरु पातशाह कहंदे ने जे हाँ बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत, हुण बीज दा तू की है तू सोच। ऐ मनुख जे तू ये सोचदा है कि बीजै बिख मंगै अमृत वेखो ये नहीं आओ, तू करे कुछ होर प्राप्त कुछ होर होवे, इंज नहीं हो सकता। गुरमत दा सारी दुनिया नू एक विलक्षण बड़ा खरा सच दा सुनिया है, जो सदीवी नवा ते सदीवी सच है ओ ए कि ऐ कर करे सो ऐ कर पाए। ऐ मनुख जैसा तू बीजदा ना तैनू वैसे फल प्राप्त होंदे ने, इत्थे यहां पर ही अज ही जींदे जी तू जैसा बीजदा है ना वैसे। मान लो माँ प्यो बचपन तो ही घर शराब पींदे ने नाच करदे ने, बच्चा पैदा होया है बच्चे नूं भी शराब दिखा रहे ने नाच दिखा रहे ने बीज रहे ने, ये बच्चा वड्डा होके शराब पिएगा नाच करेगा। माँ प्यो घर गालां कढ़ रहे ने बच्चे दे वास्ते बीज रहे ने, ये बच्चा वड्डा होके गालां कढ़ेगा। माँ प्यो लड़दे ने ये बच्चा वड्डा होके लड़ेगा अपने स्पाउस दे नाल। जे हाँ बीजे सो लूना है, तैनू सोचना है मैं की बीजा। तू चंगे अमल बीजना चाहता है तो गुरु पातशाह तैनू समझाणगे नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। तू बीजना चाहता है चंगे गुण बीजना ए त्रै भैने वेस कर तावा सावी कंत सिख लैना।
मनुख नू टुंब के जगांदे हन कि तू अपने कर्म तुर लिखने हन, पर तैनू लिखने आउंदे नहीं हन, इस करके सतगुर कोलों पुछ लै। असी पढ़दे हां पौड़ी, नदर करहें जे आपनी ता नदरी सतगुर पाया। इस दे अर्थ समझिए ता इंज लगदा है जिमें के किया जा रहा होए, रब नदर करेगा ता सतगुर मिलेगा। पर असी रोज पढ़ते हैं एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक, ये रब जी दे गुण ने। तो रब जी दे गुणा विच रब जी ने गुरप्रसाद की बारिश की हुई है मनुख वास्ते। मनुख अपना भांडा सीधा नहीं करता, भांडा धोए तो बैस धूप देव धूप देवो तो दूधे को जावो वाला कर्म नहीं करता, भांडे नू साफ नहीं करता। गुरप्रसाद की बारिश इस भांडे च पैंदी नहीं है। इहदा मतलब रब ने सारी दुनिया वास्ते, दुनिया के हर इंसान के लिए, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस अर्थ, सब वास्ते गुरप्रसाद की बारिश खिलारी हुई है। गुरबाणी में गुर परमेश्वर एको जान एको प्रथाएं आया है। रब जी अते रब जी का ज्ञान, रब जी अते रब जी का गुरु, रब जी अते रब जी का गुर ज्ञान, उन्होंने सब वास्ते वरताया होया है। समझ पई कि रब जी की नदर करम की होंदा है। रब जी की नदर करम किरपा बख्शिश दे अर्थ समझ आए कि रब जी ने मनुखा उते नदर करम बख्शिश की हुई है कि अपना सतगुर बख्शिया होया है। नदर करें जे अपनी, रब जी ने अपनी नदर की हुई है, बख्शिश की हुई है सारिया उते, तां नदरी सतगुर पाया। सतगुर अवेलेबल है, सतगुर सारिया वास्ते मौजूद है, जिसनों असी विजडम कहते हैं, जिसनों दुनिया का खरा सच कहते हैं, और वो सारिया के हिरदे विच वसदा है। वसी रब हयाली है, अंदर ही वसदा है, पर ये इंसान अपने सतगुर नू पछाणदा नहीं है, बार भटकदा रहिंदा है। जे सतगुर की मत लैण वास्ते अपना हिरदा तैयार करे, जिमें कल गुरु नानक पातशाह दे पुरब दे परसों दिल्ली दूरदर्शन वाले ने सानू सवाल पूछया, भाई लहना जी के बारे में आपका क्या ख्याल है। असी सोइए पढ़ते हाँ, सोइए गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु अर्जन पातशाह ने आप दर्ज किए हुए ने। भाई साहब सवाल मैनू पूछ रहे सन, तो मैं उन्होंने बेनती की, लहना का मतलब होंदा है वो हिरदा, वो भांडा तैयार करना जो सच लैण वास्ते तैयार है। मतलब अपना मन बनाना कि मैनू सच बख्शो, आई एम सीकर, मेरी बर्निंग डिजायर है, इच्छा है, मनु सतगुर दा ज्ञान सुमत विजडम बख्शो। वो जो हिरदा बनता है ना, प्रभ तुम ते लहना, तू मेरा गहना, लहना एक अवस्था है। ये अवस्था भाई लहना जी ने प्राप्त की, बिना हील हुज्जत तो मैनू सतगुर गुरु नानक पातशाह जी मैनू सुमत बख्शो। जदों लहना दी मत बनती है तो जो सच का ज्ञान मिलता है वह मनुख का गहना बन जाता है। वह मनुख अपने शिंगार कर सकता है, इनर ब्यूटी वास्ते, अंतर आत्मा की सुंदरता वास्ते, ये मन सुंदर अपना बनाउन वास्ते। एक बारले शरीर नू सुंदरता वास्ते असी शिंगार करते हैं, अंतर आत्मा नू सुंदर करना, भाई लहना जी ने जो सतगुर ने दसिया उसनू अपने अंतर आत्मे उते चंगे गुणा दा शिंगार किया। मन मोती जे गहना होवे, गहना बनाया, प्रभ तुम ते लहना, तू मेरा गहना, वह गहना बन जाते हैं। गहना की इस वास्ते होंदा शिंगार करन वास्ते, पता लगा अंगद दे अर्थ होंदे हन शिंगार, शिंगारिया जाना, शिंगार कर लेना। सो लहना जी गुर दे ज्ञान दे बख्शे हुए चंगे गुणा दा गहना पा के अंगद बन गए। अंगद पातशाह, गुरु नानक पातशाह तो गुरु अंगद पातशाह, सच दे ज्ञान नू जो तोहा जुगत साए, सह काया फिर पलटिए, सच दा ज्ञान लिया, लहना तो अंगद बन गए। पर प्राइमरी गल उत्थे ही खड़ी है,
कि लहना बनना पिया जाचना। मन दी मंग, मन दी मंग जे समझ आ जाए कि मैं भटकदा हाँ, मन दी मंग जे समझ आ जाए कि मैं गलत काम करदा हाँ, मन दी मंग समझ आ जाए कि मैं हिपोक्रेट हाँ, मन दी मंग जे समझ आ जाए अपने बारे डायग्नोस करके कि मैं मन होर मुख होर करदा हाँ, मन दी गल जे समझ आ जाए कि मैं जियो मैले बारों निर्मल हाँ, तो मनुख उस तो पीड़ित होके दुखी होके कहता है अब हम चली ठाकुर पहार। सतगुर दे दर ते डिगदा ए जीव बहुते जन्म परमिया, जदों इस तरह डिगदा ए जीव बहुते जन्म परमिया तो सतगुर शब्द सुनाया, फिर सुनाई देंदी है गल, वरना दिन रात असी पाठ करदे आ कीर्तन सुनदे आ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि हिरदा तैयार नहीं है, क्योंकि हिरदा अपनी हिपोक्रेसी तो अपनी करतूत तो उन्हें बाज नहीं आया है, उन्हें पीड़ित महसूस नहीं कर रहा अपने आप नूं। कहंदे ने एक तेरी जिहड़ी गल है ना कि तू सुनना नहीं चाहता है, तेरी होमे है, होमे दीर्घ रोग है, तू ईगोइस्टिक है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी समाए, कृपा करे जे अपनी जे रब जी की कृपा चाहना है ना तो की कर, कृपा करे जे अपनी तो गुरु का शब्द कमाए, गुरु के शब्द नू कमा लै, अवेलेबल है तेनू। अच्छा गुरु पातशाह जी ये मस्तक भाग लिखना तुसी सिखांदे हो, दिन रात कमाएड़ो सो आए आवे माथे, मथे कमाण वास्ते मथे ते भाग लिखण वास्ते तुसी सतगुर के जन्मे गवन मिटाया मिटा देंदे हो। गुरु पातशाह कहंदे ने जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राजे, जिन्हां दे मथे दे भाग उजागर होए ने ना, जिहड़े सच दा जीवन जीन लग पए ने, मानो ओ सतगुर नूं मिल पए ने, सतगुर ने उन्हां नूं जीवन जात सिखाई, ओह उंज जीन लग पए, ओह आयो माथा हो गया। जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राजे, फायदा की होया, अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बलिया, मेरा ज्ञान अंधेरा कटिया गया जदों मैं सतगुर अगे आके डिगया और मैं क्या मेरे अंदर अंधेरा है, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, मेरी ईगो नूं मैं छड्डिया कि मैनू सब कुछ पता है, अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बलिया, फायदा क्यों है, हर लद्दा रतन पदार्थ हो फिर बौड़ ना चलिया, जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया, ये मैनू सतगुर ने दसिया। सतगुर वड्डा कर सलाई है जिस विच वड्डिया वड्याईयां, शै मेले तो नदरी आईयां, जा तिस भाणा तो जा मन वसाईयां, कर हुक्म मस्तक हाथ धर विचों मार कढ़ियां बुरियाईयां। सतगुर ने तो कमाल कर दित्ती, सतगुर कोल जदों मैं आया तर हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा शाह है, अमृत सच दे ज्ञान दा खजाना है, सच्चा शाह है गुर सतगुर सच्चा शाह है, सिख दे हर रासे तन तन वणजारा वणज है, गुर शाह सबासे जन नानक गुर तिन पाया, जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे। उना मनुखा ने जिन्हां ने मथे ते भाग प्राप्त कीते मानो उना ने सतगुर दी गल मन ली। हुण इत्थों पता लगा, पौड़ी दे अखीरी च कह रहे ने सो लगा सतगुर सेव, ओ मानो सतगुर दी सेव ते लग पिया है, जा को करम तुर जिसने तुर, तुर होंदा तुरे दी गल, तुर होंदा अपने अंतर आत्मे दा ओ तुरा, तुरा की होंदा है, तुसी कदी देखो कार दा जिथे पॉइंट है, जिस पॉइंट दे आस पास पहिया घूमदा है, या रथ दा मेन विचकार किला जिदे आस पास, उस किली दे आस पास जदों रथ दा पहिया घूमदा है तुरा, मेरा तुरा की है, मेरी मन मर्जी दा मन, मैं इस मन दे तुरे नू सतगुर दी मत सिखा दिया समझा दिया तो मेरा तुरा सतगुर दे आस पास घूमन लगा। हुण जा को
करम तुर सतगुर दी मत नू अपने तुर करम मस्तक लिलाट लिखाए ना, किमें लिखाए। पौड़ी दी आखरी पंक्ति तो हुन सानू श्लोक समझना पेगा, किमें लिखे जांदे हन मस्तक भाग, लिखे जांदे हन सतगुर दी मत अनुसार, पर उहदे वास्ते मन दी मंग बनानी पैंदी है। श्लोक, मन मैं चितवो चितवनी उदम करो उठनीत। मैं ना मन अंदर कुछ ख्वाहिश कीती, मेरी चितवनी है, मेरी डिजायर है। आम ते लोकां दी डिजायर चितवनी की होंदी है, किसी भी धार्मिक स्थान ते जाओ, किसी भी बाबे पीर फकीर कोल जाओ, या किसी भी इतिहासक स्थान ते जाओ, या किसी तीर्थ ते जाओ, ते जाके उत्थे मंगो अपने दुनियावी प्रॉब्लम्स दे सोल्यूशंस। मेरा रिश्ता नहीं होंदा, मेरे टब्बर दी प्रॉब्लम है, मेरा मकान नहीं बनता, मैनू नौकरी लै दिओ, मेरा बिजनेस चलवा दिओ, मेरा फलाना काम करा दिओ। ए चितवनी चितव के आए सी, ए चितवनी चितव के चले गए। पर असली मन दा दुख उत्थे खलोता रहा कि मन हमेशा वास्ते सुखी होना चाहता सी, ओ गल्ला मनवा के चले गए पर सुखी नहीं होया। इसनू कहंदे ने एक मुठ चुक दूजी तैयार। मन ने एक मंग कीती सी, फिर दूजी करन आ गया, फिर तीजी करन आ गया। बचपन दी वक्री सी, वड्डे होण दी वक्री सी, उस तो वड्डी होर सी। स्पाउस मंगिया सी, स्पाउस मिल गया, मकान मंगिया सी, मकान मिल गया। रोज़ रोज़ डिजायर चेंज होंदी जा रही है। सिखांदे ने की मंग जाच, मैं अपने मन दी चितवनी चितव्या, उद्यम करो उठनीत। जो सोचिया, जो चितव्या, उहदे वास्ते मैं उद्यम कीता।